कई स्टूडेंट्स की ये समस्या है, कई विद्यार्थियों की यह समस्या है कि पूरी दी पूरी वर्ड की फाइल नूं गूगल के उत्ते अनुवाद नहीं किया जा सकता। सो वह सवाल का जवाब तो तुम अज मैं इस वीडियो के राही देख रहा, उस सवाल का जवाब तुम इस वीडियो के राही दे रहा। तुम देख रहे हो सी टैक पंजाबी, मैं आ सी पी कंबोज। आप चलते हैं एक फोल्डर के, जिस फोल्डर के देखोगे कि मेरे को इतने दो फाइलों ने। पहली फाइल मेरी अंग्रेजी वाली है, ये पूरी की पूरी फाइल जिदे बहुत सारे पेज ने, 2560 शब्द ने थले तुम नज़र आ रहे हैं। पूरी की पूरी फाइल तुसी शायद ही किसी ने ट्रांसलेट एको वार दे विच कीती होवे, क्योंकि जो लंबा दस्तावेज होंदा है तो गूगल अनुवाद उन्हों ट्रांसलेट नहीं करता। तो तुसी की करना है, इस सारे डॉक्यूमेंट नू कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करन तो बाद तुसी अपना जीमेल खोल लेना है। जो तो जीमेल खोल लोगे, जीमेल अकाउंट दे जिहड़ा ये डॉट्स वाला एक तुहानू जिहड़ा सिंबल नज़र आएगा, बटन नज़र आएगा, इत्थे जाके तुसी डॉक्स दे उत्ते जाके क्लिक करना है। गूगल डॉक्स तुहानू पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है, डॉक्स। तो डॉक्स दे उत्ते क्लिक कीता, फिर असी एक नवी डॉक्यूमेंट बनाना है, नवा डॉक्स बनाना है। इधरले पासे लाइना वाला निशान है, इत्थे जाके डॉक्स के उत्ते जो क्लिक करांगे स्क्रीन वही दोबारा आएगी। थले एक प्लस का निशान नज़र आएगा सज्जे पासे हेठले पासे, इस जमा के निशान के उत्ते क्लिक किया, एक नवा डॉक्यूमेंट बन गया। जिहड़ा तुसी मैटर कॉपी किया सी वो इत्थे कंट्रोल वी दे नाल उहनूं तुसी पेस्ट कर देना है। जदों पेस्ट कर दोगे तां स्क्रोल करके शिखर के उत्ते चला जाना। तुहाडे कोल उपर एक टैब नज़र आएगा टूल्स, टूल्स के उत्ते क्लिक करना है। तुहानू एक ऑप्शन नज़र आएगी ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, क्लिक किया। हेठले पासे चूज लैंग्वेज दे जाके पंजाबी भाषा की तुसी चोण कर लेनी है। सो इत्थे असी पंजाबी भाषा चुनी, ट्रांसलेट के उत्ते क्लिक किया। नवें टैब दे विच तुहाडी जिहड़ी फाइल है वह बन के तैयार हो गई, पूरी की पूरी फाइल। फॉर्मेट भी उही रहा, कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं, पूरी फाइल तुहाडी इत्थे ट्रांसलेट हो गई है। इस फाइल नूं तुसी इत्थों फाइल दे विच जाके डाउनलोड ऑप्शन दे विच जाके तुसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स ये ऑप्शन लैके तुसी इहनूं डाउनलोड कर सकते हो। तुसी देख रहे हो कि इत्थे ये डाउनलोड भी हो गई है। सो इस तरीके दे नाल तुसी पूरे दे पूरे डॉक्यूमेंट नूं वर्ड दे विच पूरे दे पूरे वर्ड दे डॉक्यूमेंट नूं गूगल दे राहीं अनुवाद कर सकते हो। यानी कि किश्तां दे विच थोड़ा थोड़ा मैटर जिहड़ा है गूगल दे उत्ते अनुवाद करन दी बजाय पूरी फाइल नूं अनुवाद कर सकते हो। लो जी, हुण आपां वापस चलते हाँ। बहुत सारे लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के उत्ते प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। अनुवादक हो तुसी जा प्रूफ रीडर हो, तुहानू बहुत सारिया समस्यावां आउंदियां ने। जे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वरत रहे हो तो कई लोग दोनों फाइलां जिहड़ी तुहाडी मूल फाइल है उन्हों तुसी जिहड़ा है चेंजिज करनिया ने, उहदे विच तब्दीलियां करनिया ने, उहदे विच प्रूफ रीडिंग करनी है। और जिहड़े डाकूमेंट दे नाल तुसी उहदा उहनूं मिलाना है, उहनूं कंपेयर करना है, उहदी तुलना करनी है, जे उह भी तुहाडे कोल हार्ड कॉपी दे रूप विच नहीं है, उह भी सॉफ्ट कॉपी विच है, तां तुसी दोनों डाकूमेंट्स नूं इस तरह खोल लैंदे हो। जिवें इह डाकूमेंट मेरे कोल अंग्रेजी वाला है, इह मूल डाकूमेंट है। दूसरा डाकूमेंट जिहड़ा है वह पंजाबी वाला है। मैं अंग्रेजी दी जिहड़ी पंजाबी बनी हुई है अनुवाद कीती हुई है उहदी प्रूफ रीडिंग करनी है। सो मैं की करांगा कि इस डाकूमेंट नूं इत्थों उत्तों टाइटल बार तों पकड़ के सज्जे किनारे दे उत्ते सेंटर जिहे दे विच जाके इत्थे कॉर्नर ते छड्डदा, अद्धे हिस्से दे विच स्क्रीन जिहड़ी है तुहाडी आ गई। इस तरह दूजा डॉक्यूमेंट मैं खोलिया अंग्रेजी वाला, उन्होंने भी उत्थों पकड़ के इस किनारे के उत्ते खब्बे पासे वाले किनारे के उत्ते छड़ दिता। सो दोनों इस तरह पैरल फाइलां खुल जाणगियां। इहदे नाल भी बहुत दिक्कत आउंदी है, क्योंकि जे स्क्रीन छोटी है तां तुहानूं एमएस वर्ड की पूरी जिहड़ी डॉक्यूमेंट की विड्थ है वह नज़र नहीं आएगी, तुहानूं इस तरह स्क्रोल करना पएगा। सो उहदे लई तुहाडे कोल जिहड़ा तरीका जिहड़ा मैं दस्सण जा रिहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ही तुहानू उस चीज़ का पता होवे। तुसीं की करना है कि अपना अंग्रेजी ते पंजाबी वाले जिहड़े दो डाकूमेंट ने उन्हां विचों एक डाकूमेंट नू अपने नू खोल लेना है। मान लो मैं पंजाबी वाला खोल रहा, पंजाबी वाले डाकूमेंट नू खोल लिया, हुण मैं अंग्रेजी वाला डाकूमेंट
ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਪੇਜ, 20 ਪੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਵਿਊ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਟਨ ਸਪਲਿਟ, ਸਪਲਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੇਠਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਰੇਮ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।